तो भाई लोग गुड मॉर्निंग। तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आ चुका है तुम्हारा भाई एक बहुत ही खतरनाक बहुत ही बवाल वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल, जैसा कि आप लोगों ने प्रीव्यू में देखा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी टाइप का वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल सीखने वाले हैं और इसमें जो जो मटेरियल यूज़ होगा वो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में पड़ा रहेगा जो जी फाइल रहेगा या जो वो लिंक रहेगा उस पर पड़ा रहेगा पासवर्ड। तो पासवर्ड आपको वीडियो में कहीं भी मिल जाएगा। तो उससे पहले जान लेते हैं इस वीडियो के पूरे क्रेडिट के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा क्रेडिट और टेम्पलेट का पूरा क्रेडिट जाता है उमेश भाई को। इनका चैनल है उमेश टेक एंड टिप्स। ये अभी प्लेयर के टेम्पलेट वगैरह और इसका ट्यूटोरियल बताते रहते हैं, तो आप जरूर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इन्हीं के आवाज़ में ये आपको वीडियो एडिटिंग का आज का ट्यूटोरियल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जो जो मटेरियल यूज होगा आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा और डाउनलोड भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो दोस्तों अभी आपने जो वीडियो देखा मैं उसी का टेम्पलेट लेकर आ गया हूँ। अगर आप भी इस टाइप का वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं अपना फोटो का खुद का, तो आप बहुत ही तरीके से ऐसा वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। बस मेरा वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप वीडियो को बीच में कहीं स्किप कर देते तो आपका वीडियो सही तरह से क्रिएट नहीं होगा, इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो को जो लास्ट तक वॉच कीजिएगा। सो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको जो है वी प्लेयर एप्लीकेशन उसको ओपन करना है। अगर आपके पास नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो क्रिएट करने में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मैं सभी का रिप्लाई करता हूँ। ओपन करेंगे उसके बाद यहाँ से आपको जो है कुछ इस टाइप का इंटरफेस हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको जो है यहाँ से पता है यहाँ से बॉक्स वाला आइकन पे क्लिक करना है। नीचे जाना आपको यहाँ से देखिए लॉर्ड फ्रॉम फाइल इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको जो है यहाँ से टेम्पलेट जो है उसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लेना है। टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद सिंपली आपको जो है यहाँ से देखिए लास्ट वाला जो आइकन दिख रहा होगा इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से अपना जो है टेम्पलेट है उसमें आ जाएंगे। आ जाने के बाद सिंपली आपको जो है यहाँ से कट पिसिन वाला आइकन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको देखिए यहाँ से मिल जाएगा आपको देखिए यहाँ से मोशन ब्लर इफेक्ट, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ से आपको जो है यहाँ से जनरल पर क्लिक करना है। यहाँ से जो टिक है इसको जो है लगा देना है। यहाँ से टिक को लगा देने के बाद आपको जैसे फिर से यहाँ से जनरल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको जैसे देखिए यहाँ से नीचे मिल जाएगा आप फ्रियंस, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से जो यहाँ से ये वाला जो यहाँ से देखिए यहाँ से सो यहाँ से दिख रहा होगा यहाँ से इस पर क्लिक कर देना है। टिक को जो यहाँ से दोनों टिक को यहाँ से लगा देना है। टिक को लगा देने के बाद सिंपली आपको जैसे यहाँ से फिर से आपको जैसे नीचे जाना है स्क्रॉल करते हुए और यहाँ से आपको देखिए मिलेगा यहाँ से ब्लर इफेक्ट, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से आपको जैसे जनरल पर जाना है, इसको भी यहाँ से टिक कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको जैसे यहाँ से फिर से यहाँ से एफ्रियंस पे जाना है। उसके बाद यहाँ से आपको जैसे नीचे जाना और यहाँ ये दोनों टिक को यहाँ से लगा देना है। ये दोनों टिक लगाने के बाद सिंपली आपको जैसे फिर से यहाँ से नीचे जाना है और आपको जैसे इधर यहाँ से देखिए आपको मिल जाएगा यहाँ से पार्टिकल, पार्टिकल पर क्लिक करना है। यहाँ से जनरल पर जाना है, इसको भी यहाँ से इनेबल कर देना है। इसको इनेबल कर देंगे उसके बाद यहाँ से पार्टिकल जो है वो आ जाएगा। पार्टिकल आ जाने के बाद सिंपली आपको जैसे फिर से यहाँ से आपको जैसे नीचे क्लिक करना है दूसरा पार्टिकल पे, इसको भी यहाँ से इनेबल कर देना है। इसको इनेबल करने के बाद आपको जैसे फिर से यहाँ से आपको फिर से यहाँ से एक देखिए और पार्टिकल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है, इसको भी यहाँ से इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद यहाँ से आपको जैसे देखिए यहाँ से कंपोजिशन टू के नीचे आपको जैसे यहाँ से मिल जाएगा बार्स, इस पर क्लिक करना है। इसको भी यहाँ से जनरल पर जाके इसको भी यहाँ से इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद यहाँ से आपको जैसे आपका जैसे बच जाता है आप जैसे फोटो को सेव करना, इसके लिए आपको जैसे यहाँ से फिर से स्क्रॉल करते हुए ऊपर जाना है और यहाँ से आपको देखिए यहाँ से मिल जाएगा इमेज और इमेज, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से आपको जैसे यहाँ इमेज पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको जैसे फोटो को इस पर क्लिक करके यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ से कोई फोटो को यहाँ सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ से मैं जो है फोटो को सेलेक्ट कर लिया, फोटो सेलेक्ट करेंगे यहाँ से आपका जो है फोटो जो है सो नहीं होगा। इसके लिए आपको जो है फिर से यहाँ से इमेज पे क्लिक करके इसको जो है यहाँ से बैक करना पहले। उसके बाद आपको जो है यहाँ से जनरल पे क्लिक करना है, टिक को यहाँ से इनेबल कर देना है। टिक को इनेबल करने के बाद यहाँ से आपको जो है नीचे जाना है, यहाँ से जनरेटेड यहाँ से देखिए एलबम आर्ट दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके यहाँ से टिक को जो है हटा देना है। टिक को हटा देंगे उसके बाद यहाँ से फोटो जो है आपको जो है शो होगा लेकिन यहाँ से कलर जो है सही नहीं होगा। इसके लिए आपको जो है कलर की जो दिख रहा होगा इस पर क्लिक करना है या टिक को दोनों को जो है यहाँ से हटा देना है। हटा देने के बाद यहाँ से आपको जो है एक फ़ोटो और सेलेक्ट करना है।
यहाँ से आपको जो से देखिए यहाँ से मिल जाएगा इमेज, और इमेज इस पर क्लिक करना है यहाँ से, और एक फ़ोटो और से यहाँ से सेलेक्ट करना है। यही फ़ोटो को आप यहाँ से सेलेक्ट कर दिएगा ताकि आपको जो सो फोटो जो है सही तरह से यहाँ से शो होगा। इसके लिए आपको जो है यहाँ से पहले जनरल पे क्लिक कर लेना, उसके बाद इमेज में जाना और यहाँ से इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको जो है एक फ़ोटो और सेलेक्ट कर लेना है सेम यही फ़ोटो को। अगर आप दूसरा फ़ोटो सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको जो है इमेज पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको जो है कलर की पे क्लिक करके यहाँ से जो टिक जो रहेगा ये दोनों को जो है हटा देना है। हटा देंगे उसके बाद आपका वीडियो जो है रेडी हो जाएगा। रेडी हो जाने के बाद अगर आप यहाँ से देखिए लोगो जो दिख रहा होगा होटल पर, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आपको जो है यहाँ से नीचे आपको देखिए यहाँ से मिल जाएगा, देखिए इमेज टेक्स्ट मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करके आप यहाँ से इसको भी यहाँ से जनरल इमेज पर क्लिक करके आप यहाँ से इसको जो है चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको जो है इधर से कुछ नहीं करना है, इतना करने के बाद आपका वीडियो जो है पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। उसके बाद अगर आप सॉन्ग को लगाना चाहते हैं तो आपको जो है इस पर क्लिक करना है, यहाँ से ऐसे लाइब्रेरी में जाके सॉन्ग को लगा सकते हैं। इतना करने के बाद आपका वीडियो जो है पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक बार वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ किस टाइप का बना है शो। देखिए यहाँ से जो है पहले दूसरा फोटो में जो था सो यहाँ से सही तरह से यहाँ से नहीं हुआ है, वो इसलिए यहाँ से जो है कलर को यहाँ से चेंज नहीं कर रहा है। इसके लिए आपको जो है फिर से यहाँ से कट पीसिंग वाला पे क्लिक करना है, यहाँ से देखिए इमेज और इमेज पे जाना है, और यहाँ से एल्बम आर्ट में यहाँ से जनरेटेड एल्बम आर्ट में जाना है, ये टिक को हटा देना है। उसके बाद मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए वीडियो जो है पूरी तरह से यहाँ से क्रिएट हो चुका है। उसके बाद अगर आप वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं तो आपको जो है इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से आपको जो है साइज को यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से ऊपर में 1080x1350 लगा देना। लगाने के बाद यहाँ से सिंपली आपको जो है एक्सपोर्ट वाला जो दिख रहा होगा इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका वीडियो जो है यहाँ से एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना।